गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीके लर्नर में आप सभी का स्वागत है। ठीक, अगर आपको चैनल अच्छा लगे, बीड चैनल में जो वीडियो हैं कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ज़्यादा पसंद अगर आपको आ जाए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे जितने भी वंश रहे हैं भारत में उनके संस्थापक कौन हैं। ठीक है, तो इसके पहले हम अपना आज का कोड मोटिवेशनल कोड सुनते हैं। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी अभी मैंने लांगा है समुंदर को, अभी अभी मैंने लांगा है समुंदर को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। ठीक है, आज का हमारा पहला सवाल है, हर एक वंश का संस्थापक कौन है। ठीक, आपके पास 3 सेकेंड। ठीक है, हर एक वंश का संस्थापक बिंबसार जी को माना जाता है। ठीक है ना, हर एक वंश का संस्थापक कौन है? बिंबसार। हर एक वंश का टाइम पीरियड क्या है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको बता देते हैं, 544 से लेकर 312 बीसी। ये किसी भी एग्जाम में आपसे टाइम पीरियड नहीं पूछेगा, लेकिन आपसे बता दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले हर एक वंश में कुल 3 शासक हुए, बिंबसार, अजातशत्रु दूसरे नंबर के थे, और तीसरे नंबर के कौन थे? उदयन। ठीक है, अब इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट बात इससे रिलेटेड क्या है कि पहली बौद्ध समिति ठीक है, जो कहाँ हुई थी? राजगृह या गृह ब्रज में किसके समय में हुई थी? अजातशत्रु जी के समय में हुई थी। ठीक है, पहली बौद्ध समिति। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन है। ठीक है, शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन है? तो यहाँ पे देखिए, शिशुनाग नाम में ही है, तो उसका संस्थापक कौन है? आपको तो टिक मिल ही गया होगा, आपके पास 3 सेकेंड है। शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग जी हैं। ठीक है ना, शिशुनाग जी। ठीक, शिशुनाग वंश में कुल 2 शासक हुए। ठीक है, मुख्यतः 2 शासक हुए, पहले नंबर पे आते हैं आपके शिशुनाग, और दूसरे पे आते हैं काला कड़ या काला शोक। ठीक है, शिशुनाग और काला कड़ दोनों की राजधानी वैशाली थी। ठीक है, दोनों जी राजधानी कहाँ थी? वैशाली। और एक इंपॉर्टेंट बात इससे रिलेटेड ये है कि जो दूसरी बौद्ध समिति हुई थी, ठीक है, दूसरी बौद्ध समिति, वो किसके समय में हुई थी? काला कड़िया काला शोक के समय में हुई थी। कहाँ हुई थी? वैशाली बिहार में हुई थी। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नंदवंश का संस्थापक कौन है। ठीक, आपके पास 4 ऑप्शन और आपके पास कुल 3 सेकेंड। तो नंदवंश के संस्थापक हैं महापद नंद। ठीक, नंदवंश के संस्थापक कौन है? महापद नंद। ठीक है, और उसके नंदवंत के अंतिम शासक कौन है? नंदवंत के अंतिम शासक हैं घनानंद। ठीक है, घनानंद को ही हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक, घनानंद को ही हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? अभी तो एक ही दो सेकेंड हुआ तो बताए हैं, आपके पास 3 सेकेंड है। मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक हैं। ठीक है, बिंदुसार उनके लड़के हैं चंद्रगुप्त मौर्य के, फिर बिंदुसार के लड़के अशोक। ठीक, और विष्णुगुप्त किसका नाम है? चाणक्य जी का नाम विष्णुगुप्त भी पाया जाता है कहीं कहीं। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, शुंग वंश का संस्थापक कौन है? आपके पास 4 ऑप्शन और आपके पास 3 सेकेंड। शुंग है, देखिए किसी के नाम में शुंग दिख रहा है? हाँ, दिख तो रहा है, पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, तो ये पुष्यमित्र शुंग ही शुंग वंश के संस्थापक हैं। ठीक है, मौर्य साम्राज्य में क्या थे? सेनापति थे। क्या थे? सेनापति थे। इन्होंने मौर्य साम्राज्य के आखिरी शासक बृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की। ठीक, इनके बारे में इतनी इंपॉर्टेंट बात। एक इंपॉर्टेंट बात और समझ लीजिए कि देखिए, आप लोग पतंजलि का नाम तो बहुत ही सुने होंगे। ठीक है, पतंजलि ठीक है, इसका नाम तो आप लोग सुने ही होंगे। ठीक, पतंजलि शुंग वंश। ठीक है, शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग। इन्हीं के समय के यज्ञ पुरोहित थे। ठीक है, इन्हीं के समय के क्या थे? यज्ञ पुरोहित थे पतंजलि। ठीक, और एक बात और, मनुस्मृति की रचना मनु ने शुंग वंश में ही की थी। ठीक, दो इंपॉर्टेंट बातें यहाँ से निकल के आई। क्या निकल के आई? कि पतंजलि किसके एक पुरोहित थे? पुष्यमित्र शुंग के एक पुरोहित थे। एक इंपॉर्टेंट बात यह है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या? मनुस्मृति की रचना मनु ने शुंग वंश में ही की थी। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे,
सातवाहन वंश का संस्थापक कौन है? सातवाहन वंश, ठीक है, आपके पास 3 सेकंड है। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक है। कौन है? सिमुक, ठीक है। सातवाहन वंश में सातकर्णी प्रथम इस वंश का सबसे योग्य शासक था, ठीक है ना। सातकर्णी प्रथम इस वंश का सबसे योग्य शासक था, ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेकिन इसके संस्थापक किसको माना जाता है? सिमुक को माना जाता है, सातवाहन वंश का। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? आपके पास 3 सेकंड। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त, ठीक है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त, ठीक, ठीक है ना। लेकिन ये तो संस्थापक पूछ लिया तो हम बता दिए श्रीगुप्त हैं, लेकिन रियल फाउंडर किसको माना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को, ठीक है। रियल फाउंडर किसको माना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को। अब इनके बारे में एक इंपॉर्टेंट बात, चंद्रगुप्त प्रथम जी के बारे में, इन्होंने 319 AD में गुप्त संवत किया था। क्या किया था? गुप्त संवत, ठीक है। इन्होंने 319 AD में गुप्त संवत चलाया था, ठीक। इनके बारे में एक इंपॉर्टेंट बात आप लोग जान लीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात समुद्रगुप्त के बारे में जान लीजिए, इनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। विंसेंट स्मिथ ने इन्हें भारत का नेपोलियन कहा है, ठीक, ठीक है। तीसरी बात आप इनके बारे में जान लीजिए थोड़ा, स्कंदगुप्त के बारे में, ठीक। हूणों का आक्रमण किसके समय में हुआ था? स्कंदगुप्त के समय में हुआ था, ठीक। दो और शासक हुए गुप्त वंश में, उनका नाम यहाँ पे नहीं है, हम बता दे रहे हैं आपको। चंद्रगुप्त सेकंड का, ये देखिए चंद्रगुप्त फर्स्ट हैं, ये चंद्रगुप्त सेकंड, ठीक है। इनको विक्रमादित्य की उपाधि से नवाजा गया, विक्रमादित्य की उपाधि से नवाजा गया चंद्रगुप्त सेकंड को, ठीक है, ठीक। देखिए पूरे विश्व में सिर्फ 14 लोगों को विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए हैं, ठीक है, जिसमें से 14वां विक्रमादित्य को भय धारण करने वाला कौन है? हेमू है। कौन है? हेमू, ठीक। एक और नाम छूटा है, वो है कुमारगुप्त का, ठीक है, कुमारगुप्त का इसमें नाम छूटा है। कुमारगुप्त के बारे में हम इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट बात बता दे रहे हैं, नालंदा विश्वविद्यालय का नाम आप लोग सुने होंगे, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय, वो इन्हीं के इसकी स्थापना इन्हीं के काल में हुई थी, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चोल वंश का संस्थापक कौन है? आपके पास 3 सेकंड। तो चोल वंश का संस्थापक है विजयालय। कौन है? विजयालय। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पाल वंश का संस्थापक कौन है? किसी के नाम में देखिए पाल दिख रहा है, यहाँ पे तो दिख रहा है, आपको हिंट मिल गया, आपके पास 3 सेकंड, ठीक है। तो पाल वंश के संस्थापक हैं गोपाल। कौन है? पाल वंश के संस्थापक गोपाल, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इनके बारे में डिटेल इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि इनका बस संस्थापक पूछेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो इंपॉर्टेंट है हमको लग रहा है वो हम सब आपको बताएंगे, ठीक। ये देखिए चौहान वंश का संस्थापक कौन है? ठीक, चौहान वंश का संस्थापक कौन है? आपके पास 3 सेकंड है। चौहान वंश के संस्थापक हैं वासुदेव जी। कौन है? वासुदेव जी। अब देखिए चौहान वंश की बात आई तो इससे रिलेटेड दो लड़ाइयाँ हुई हैं 1191 में और 1192 में, ठीक है। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन और यहाँ पे सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, ठीक है। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन किसके किसके बीच में होती है? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान पहले वाले में जीत जाते हैं लेकिन दूसरे वाले में पृथ्वीराज चौहान जी हार जाते हैं, ठीक है। तो पहली बैटल 1191 में, दूसरी 1192 में, और चौहान वंश का संस्थापक कौन है? वासुदेव। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? आपके पास 3 सेकंड। गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। गुलाम वंश के संस्थापक किसको माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, खिलजी वंश का संस्थापक कौन है? ये सब दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन है, ठीक है। खिलजी वंश का संस्थापक कौन है? किसके नाम की लास्ट में खिलजी है? आपको हिंट मिल गया है, आपके पास 3 सेकंड है। तो खिलजी वंश का संस्थापक कौन है? जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तुगलक वंश का संस्थापक कौन है? तो तुगलक वंश का संस्थापक कौन है?
इसमें तो आप नाम देख के नहीं बता सकते, आपको याद होना चाहिए यहाँ पे तुगलक वंश का संस्थापक कौन है। कौन है? गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन है? गयासुद्दीन तुगलक। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सैयद वंश का संस्थापक कौन है? आपके पास 3 सेकेंड, कुछ चीज़ें याद भी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सैयद वंश का संस्थापक कौन है? खिज्र खा। ठीक है, खिज्र खा सैयद वंश का संस्थापक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लोदी वंश का संस्थापक कौन है? आपके पास 3 सेकेंड। लोदी वंश का संस्थापक कौन है? बहलोल लोदी। ठीक है, बहलोल लोदी को लोदी वंश का संस्थापक कहते हैं। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे एंड लास्ट क्वेश्चन। मुगल वंश का संस्थापक कौन है? तो मुगल वंश का संस्थापक कौन है? बाबर। कौन है? बाबर। ठीक है, 1526 में लगातार लड़ाइयाँ लड़ते हुए 1526, 1527, 1528, 1529 चार लड़ाइयाँ बाबर ने लड़ी थी। ठीक है ना, 1526 तो आपको याद ही होगा, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ठीक, चार लड़ाइयाँ बाबर ने लड़ी थी। इसके लड़ाइयों की एक सीरीज है हमारे पास वीडियो में, आप लोग जाके उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो मुगल वंश का संस्थापक कौन है? बाबर। ठीक है, तो थैंक्स फॉर लिसनिंग। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, आपका ही चैनल है जीके लर्नर बाय नितिन गुप्ता। ठीक है, थैंक्स फॉर लिसनिंग एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक्स।